2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजों ने मोदी मैजिक पर एक बार फिर से मोहर लगाई है। चार राज्यों में से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ गई। बिल्कुल, तो इन तीन राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, वो भी बहुमत के साथ। नतीजों से साफ है विपक्ष की सारी कोशिशें बेकार साबित हो गई। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो या फिर केजरीवाल, सभी को जनता ने नकार दिया। नतीजों के मायने पर अगर गौर करें तो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फेल साबित हुआ है, केजरीवाल की मुफ्त योजना फेल रही है और नीतीश कुमार के प्लान पर भी पानी फिर गया है। जाति जनगणना का मुद्दा भी फेल रहा, वहीं INDIA गठबंधन अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है, इनका भविष्य ही खतरे में पड़ा हुआ है। इसलिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर आगे देखा जाएगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ तलाक हो गया। जिस चुनाव में मुकाबला बीजेपी से होना था, उस चुनाव में विपक्षी दल आमने सामने थे। जिस चुनाव में जनगणना के मुद्दे को भुनाया जा रहा था, उस मुद्दे पर भी राहुल और अखिलेश के सुर अलग थलग थे। और जैसे ही परिणाम सामने आए, विपक्षी गठबंधन एक बार फिर खतरे में आ गया, क्योंकि ये लड़ाई भले ही बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन अब कांग्रेस तमाम विपक्षी क्षेत्रीय पार्टी के बीच बदल गई। ये इंडी गठबंधन को पता नहीं चला। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जनजाति जनगणना की बात नहीं कर सकता। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी, शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है, वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया के अंदर आगे देखा जाएगा। अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसे बोलने से बीजेपी के नेता बचते थे, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन के बीच सीटों का पेच फंसा था, तो अपनों ने ही कांग्रेस के खिलाफ मैदान में प्रत्याशी उतार दिए और उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी के आंकड़े बढ़ते गए और अब विपक्ष की पकड़ से बहुत दूर है। मध्य प्रदेश में अपनों ने कैसे गेम बिगाड़ा वो भी समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी 74 सीटों पर चुनाव लड़ी, जहां अखिलेश का पीडे फॉर्मूला फेल हो गया और एक भी सीट नहीं मिली। आपने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, यहां केजरीवाल की मुफ्त योजना को नकार दिया गया, तो वहीं JDU ने भी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन यहां की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे को स्वीकार नहीं किया। यानी ये परिणाम गवाही है उस चुनावी लिहाज से जिसमें बीजेपी को हराने के दावे किए जा रहे थे। अब जब उसके उलट परिणाम सामने आए, तो मीटिंग और मंथन की बात होने लगी और इंडी गठबंधन की तरफ से 6 दिसंबर को बैठक भी बुलाई गई। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम देश के सामने है, जिसमें विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, जिसमें हार पर मंथन किया जाएगा, साथ ही नए समीकरण भी तय किए जा सकते हैं। दरअसल चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो या फिर केजरीवाल, सबकी ख्वाहिश 2023 में ही प्रधानमंत्री फेस बनने की थी, लेकिन मोदी के सामने इनकी एक नहीं चली और पीडीए फॉर्मूले से मुफ्त योजना तक को जनता ने नकार दिया और भरोसा किया सिर्फ मोदी की गारंटी पर, जो 24 में बीजेपी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चुनावी नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा और कह दिया कि ये जीत विकास की जीत है और ये हार अहंकार की हार है।
जैसा आप जानते हैं सीजनल लोग हैं और जब चुनाव आता है तो चुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए गठबंधन गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन ये वैचारिक रूप से इनमें कोई समानता नहीं है। ये स्वार्थी लोग हैं और अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार का विषय रखते हैं, लेकिन प्रदेश और देश की जनता सब जानती है और लोग मोदी जी की जो नेतृत्व में विकास यात्रा है देश की, उस विकास यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का जनादेश इन राज्यों में भाजपा को मिला है, यह जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की है, यह जीत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की है, यह जीत कांग्रेस के प्रति जो लोगों का भरोसा समाप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भरोसा बढ़ा है, जो हमारे नेतृत्व के प्रति भरोसा बढ़ा और विश्वास बढ़ा है, ये उसकी जीत है। मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वहां के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, वहां के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।